एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल। अभी कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और आप लोग मेरे तरह ही कद्दू भात का तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे ऑल फैमिली की तरफ से। तो आज है कद्दू भात का फर्स्ट दिन, तो अभी हम यहाँ पे लकड़ी मिट्टी का चूल्हा में खाना बनाएंगे और कद्दू बनाएंगे और जो भी चीज़ सब्जी वगैरह जो भी बनाने का होगा वो सब बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग कैसे मना रहे हैं वो भी हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। तो चलिए दिखाते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और बहुत सारा इन्जॉय कीजिए और बहुत सारा लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले दिखा देते हैं कि क्या करेंगे अभी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लौकी कटा हुआ है और यहाँ पे गोभी है और यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है। तो लकड़ी के चूल्हा में ही बनता है, आप लोग किधर बनता है कि नहीं वो बताइएगा। तो यहाँ पे धो धा के हम लोग बना रहे हैं और ये अभी हम काटेंगे, ये देख सकते हैं। तो चलिए काट ले, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मिसेस काजल जी कद्दू काट रहा है। आज नहाए खाए बोले तो कद्दू भात है, हाँ। जो कि बिहार का पूरा फेमस पर्व है, हाँ। ये मेरा रोनी जो कि धूप में बैठ के चेयर पे माँ को देख रहा है, कैसे मम्मी काट रही है, ठीक है। ये छोटी है और ये देखिए त्यौहार, ये मिट्टी का चूल्हा पे ही बनेगा। ये है त्यौहार, ये है बिहार का रस्म। आई एम प्राउडनेस फॉर बिहारी। क्या काजल जी, हाँ। तो ये रोनी कैसे देखिए रोनी को। और यहाँ पे हम काट रहे हैं कद्दू, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। ये देखिए रोनी को देखिए कैसे मस्ती कर रहा है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए रोनी को। ये छोटी भी, हाय छोटी, हाय करो, हेलो करो, करो पापा, पापा जी, पापा हाय करो बेटा, हाय करो, हाँ हाय कर दो बेटा जल्दी से, हाय करो बेटा, हाय करो, हाय कर दो। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, गोभी और आलू की सब्जी बनेगा। और ये रहा यहाँ का लौकी जो कि बन चुका है, काट के रख दिया। यहाँ पे बना रहे हैं दाल, चावल हो चुका है उस डब्बे में बर्तन में और यहाँ पे चावल बना रहे हैं। तो ये रहा कुछ इधर का, अभी हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कद्दू को ढक दिए हैं और अभी फिर उसके बाद बनेगा ये बैंगन और गोभी आलू का सब्जी। यहाँ पर मम्मी चुपचाप बैठी है। मम्मी कैसा लग रहा है आपको, पूजा कर रही है तो खुशी आ रहा है। हम फर्स्ट बार अपना छठ पूजा का व्रत कर रहे हैं, हाँ। अपने से घर में कर रही है ना। और खाना बना रही हो? मेरी बेटी आई है, दामाद है, नौती है, आया है।
और हम मिस कर रहे हैं बस अपने भाई को जो कि यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं वीडियो में देख लेना भाई, बहुत मिस कर रहे हैं चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, उसके बाद फिर मम्मी जब पूजा करेगी वो भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और आज फर्स्ट डे है तो उसके बाद जो भी डे होगा वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे जरूर, तो आप लोग वीडियो में बने। दादी क्या कर रही है, तो अभी मेरी दादी गेहूँ सुखा रही है तो वो आप लोग को हम दिखाएंगे। और चलिए वहाँ पर ले चलते हैं। गहूँ सुखा रही है बड़ी मम्मी और दादी, बड़ी दादी सब। और ये जो लाठी देख रहे हैं लकड़ी, इससे कौवा को भगा रही है। ये देखिए यहाँ पे बना रहे हैं गोभी और आलू का सब्जी। पहले तो कद्दू बन गया और अभी बना रहे हैं गोभी आलू का सब्जी। और एक तरफ बनाएंगे बैंगन का भुजिया। ये यहाँ पीतल क्या कासा पता नहीं क्या चीज़ का है ये छोलनी। और ये देखिए सिंदूर भी लगा रखे हैं। ये देखिए तो ये देखिए बना रहे हैं सब्जी और बहुत ज़्यादा धूप है तो देख भी नहीं पा रहे हम। यहाँ पे बना रहे हैं और ये बन जाएगा तो उसके बाद फिर मम्मी खाना खाएगी पूजा वगैरह करके। तो अभी हम धूप में बैठ के खाना बना रहे हैं। आज के खाने का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। चावल बन के रेडी हो चुका है, दाल भी बन गया है और कद्दू भी बन गया है जो कि मेन है। और ये सब्ज़ी बनाने के बाद पापड़ और फ्लोरी बनाएंगे तो उसके बाद फिर खाना खाएंगे हम लोग। आप लोग को भी हम दिखाएंगे कि हम कैसे बनाए हैं और कैसे खिला रहे हैं सबको। तो ये प्रसाद है आज का, लौकी चावल। आप लोग कद्दू नहीं समझ पा रहे हैं तो लौकी बता दे रहे हैं, और भी कुछ नाम होगा ये मुझे पता नहीं, पर लौकी हम जानते हैं और कद्दू तो वो हम बना रहे हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो को एंड तक, वीडियो में बने रहिए।
फ्रेंड्स, तो हम लोग खा चुके हैं और प्रसादी वगैरह खा लिए हैं। तो आप लोग खाए कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ में।